अमेरिका के टेक्सास में एक ट्रक में 46 लाशें बंद मिली हैं। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक के अंदर 16 और लोग बेहोश हालत में मिले, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये ट्रैक्टर ट्रेलर टेक्सास के सैन एंटोनियो की सड़क पर मिला। ट्रक में 100 से अधिक लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। ये सभी लोग प्रवासी बताए जा रहे हैं। अधिक गर्मी से ट्रक के कंटेनर का तापमान बढ़ गया और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। They were suffering from heat stroke, heat exhaustion, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no visible working AC unit on that rig. इस घटना पर टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इन मौतों के लिए सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। एबॉट ने कहा, ये मौतें खतरनाक ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से हुई हैं। गर्मियों के महीने में एंटोनियो शहर का तापमान काफी बढ़ जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को किसी शख्स ने उस ट्रक की जानकारी दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक का गेट थोड़ा सा खुला था। उनमें से एक शव ट्रेलर के बाहर ही पड़ा था। जिन 16 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उनमें 12 बड़े और 4 बच्चे शामिल हैं। सैंट एंटोनियो पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये मामला मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है या नहीं।